अवधूत साथे ट्रेनिंग अकादमी। यस, और बहुत 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 बधाई हो, गणतंत्र दिन की बहुत बहुत बधाई हो। ये एक फेस्टिवल है हमारे लिए, गणतंत्र दिवस, हैप्पी रिपब्लिक डे। जस्ट काउंट कर रहा था 1947 और 2022, 75 ईयर्स होने को आए ऑलमोस्ट। और 2047 तक हमारी एक शताब्दी पूरी होने वाली है अगले 25 साल में। तो जितने भी लोग यहाँ पर आज है, जितने भी लोग आज यहाँ पर है, मौजूद है, इस सेशन को देख रहे हैं, आप देखिए, एक बहुत बड़ा फर्ज हम पे बनता है। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, उन सभी का हम पे कर्ज है। और हमारा एक फर्ज बनता है कि जब ये शताब्दी आएगी 2047 तक, ये गणतंत्र दिन, रिपब्लिक डे, शुड बिकम अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। इंडिया शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। सो चलो सब मिलके इसकी ओर चलते हैं, जुड़ जाते हैं साथ में मिलके, लेट्स यूनाइट फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर एवरी क्लास ऑफ पीपल इन इंडिया। ये जो विषय लेके आया हूं मैं खास 26 जनवरी के शुभ मुहूर्त पर, सोच रहती है। कल भी मैंने हमारा एक ऑफसाइट भी है, एक बहुत ही बढ़िया सेशन रहा मेरे लीडर्स के साथ, और उस सेशन में पूरे सक्सेस को रीडिफाइन करने की बात मैंने की। हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस क्या एक नंबर है? सक्सेस कैन इज इट क्वांटिटेटिव और इज इट क्वालिटेटिव? सो आई थिंक यू नो वी हैव रीडिफाइंड सक्सेस। इसके बारे में मैं बाद में आपको कभी बताऊंगा जब आप हमारे स्टूडेंट्स हो जाओगे, और स्टूडेंट्स के साथ जब मेरा महासत्संग हुआ तभी जरूर बताऊंगा। लेकिन सत्संग सक्सेस को हम रीडिफाइन करेंगे, इट इज मच 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 बियॉन्ड नंबर्स एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ऑलराइट, तो हमें ऐसा कुछ करना है, सभी लोग मिलके एक संकल्प करें। सोचो अगले 25 साल हमारे हाथ में, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में एक स्वतंत्र देश है, भारत देश है। हमारे हाथ में और क्या है? हमारे पास यहाँ पे एक बुद्धि दी है भगवान ने, बहुत ही बड़ी, कि जो सोच सकती है, चाहे तो डिसिप्लिन ला सकती है, चाहे तो स्किल को एक्वायर कर सकती है, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और हमारे पास क्या है? 100 साल पूरे होने के लिए हमारे पास 25 साल और है। 25 साल में हम क्या कर सकते हैं? चलो 25 साल क्या नहीं सोचते, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर एवरी क्लास ऑफ पीपल इन इंडिया, दैट इज अ विजन। लेकिन उसके पहले एक मिशन है, वो मिशन क्या है? 1 लाख सक्सेस स्टोरीज थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स बाय 2031। 1 लाख सक्सेस स्टोरीज, यही हमारा मिशन। इस मिशन के बारे में मैं आई ओपनर में बताया करता हूं। हमारे स्टूडेंट्स तो भली भांति जानते हैं ये क्या है मिशन, और ये कैसे होने वाला है इसके बारे में भी उन्हें पूरी कल्पना है। जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है उनको उतना ज्ञान नहीं है, उतना अंदाजा नहीं है कि हम किस ओर चल रहे हैं। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेन 3 स्टेप्स टुवर्ड्स बिकमिंग अ मास्टर, बिकमिंग अ चैंपियन ऑफ दिस फील्ड। कोई भी क्षेत्र हो, 3 स्टेप्स में हम जाते हैं उस तरफ। पहली, नंबर 1, लिटरेसी, ज्ञान। नंबर 2, एक्सपर्टीज, कौशल्य और एक्सपर्ट बनना। एंड नंबर 3, मास्टरी, एक चैंपियन बनना। ये 3 स्टेजेस में हम जाएंगे। आज मैं देखता हूं, देखो मुझे 27 साल हुए मार्केट, एंड यस, एम आई अ चैंपियन? एम आई अ मास्टर? यस, आई एम अ मास्टर, एंड माय स्टूडेंट्स नो इट। दे सॉ मी ट्रेडिंग डे बिफोर यस्टरडे, मंडे को मुझे देखा उन्होंने, कल भी उन्होंने मुझे ट्रेड करते हुए देखा है। जिस हिसाब से मैं प्लानिंग करता हूँ, जिस हिसाब से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो देखते हैं और मेरे नंबर्स देख के हैरान भी होते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हर व्यक्ति भारत में, हर व्यक्ति उस मुकाम पे पहुंच सकता है आने वाले समय।
और ऐसे 1,00,000 लोगों की सेना हमें बनानी, जो इवेंचुअली फिनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल फिनेंशियल मार्केट्स कॉन्कर करेंगे, उस पर राज करेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक वॉर्स चलते रहेंगे। हमारे पास 1,00,000 लोगों की ऐसी सेना हो 2031 तक जो इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल फिनेंशियल मार्केट्स पर राज करें। हमारे पास समय है, लेकिन समय का हम कैसे इस्तेमाल करने वाले, हाउ वी वॉन्ट टू रीच टू दैट लेवल, इसके बारे में संक्षेप में बताने आए, और बाद में डेफिनेटली इंटरेक्ट भी करूंगा, आपके कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा। तो शुरू करते हैं। ऋषि जी, विषय कैसा है? सर, मैंने आपका हेल्थ और वेल्थ भी देखा, और जो पैशन के साथ, जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं ना सर, ये होना ही है। और आज आपने कह दिया सर, जो 100 ईयर होगा आज फ्लैग होस्टिंग के समय, जी सर, एक बहुत ही बड़ी व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई है, और कहते ना कि एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग है आस्था, वो जी, तो ऐसा लगा कि एक और कुछ इस नो कुछ सालों में हम एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया काम करें, उस ओर चले हैं, तो थैंक यू। लेट मी प्रेजेंट। सो बिकमिंग अ मास्टर ऑफ ट्रेडिंग प्रोफेशन, मास्टर, ये मास्टर क्या होता है वो पहले जानेंगे। मास्टर मतलब क्या, हु इज अ मास्टर, और वो मास्टर बनने के लिए क्या स्टेप्स होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे भाव क्या है। मैंने जैसे कहा 1,00,000 × 1 crore, ये हमारा मतलब कहते ना कि हम पागल की तरह इसके पीछे, लोग मुझे कहते सर आप ना यू आर मैड, यू हैव अ मैडनेस, एक मैडनेस है, एक पैशन है सभी का, सभी का एक मैडनेस और पैशन है, तो उस मैडनेस के साथ हम ये सब कर। चलो देखते हैं ये कैसे मुकाम हासिल होगा, और जब 2047 आएगा तो अगले 25 साल में वी विल हैव अ फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। अब ये जो हमारा मिशन है, उस मिशन के रिलेटेड मेरे ऐसे कई सारे सेशंस हुए हैं, और ये स्पेशल सेशन जो आई ओपनर स्टूडेंट्स के लिए मैं करता हूँ, उसमें से एक था 7 steps फ्रॉम क्राइसिस टू ओवरऑल सक्सेस। ये सेशन जरूर देखना, क्योंकि मार्केट और ओवरऑल लाइफ में क्राइसिस सिचुएशंस बहुत बार आती है, और उससे अगर उभरना है तो मैंने 7 steps दिए हैं, ये भी वीडियो यूट्यूब पे है, जरूर देखना। नेक्स्ट मैंने एक सेशन लिया था गैम्बलर वर्सेस स्पेक्यूलेटर वर्सेस प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर, हु यू आर, एंड आई गिवन अ मिरर, आस्था मिरर। तो ये मिरर आपको खुद की पहचान दिलाए कि क्या आप गैम्बलर हो, स्पेक्यूलेटर हो, या एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर। और तीसरा वीडियो था लाइफ और ट्रेडिंग प्रोफेशन में जितनी इनसिक्योरिटीज हमारी है उसके बारे में, हाउ टू लिबरेट आवरसेल्फ्स। बट वंस यू आर लिबरेटेड, नो, द जर्नी कैन बिगिन टुवर्ड्स ग्लोरी। वी हैव टू रीडिफाइन अवर सक्सेस, वी हैव टू रीडिफाइन अवर ग्लोरी, एंड देन वी हैव टू वॉक टुवर्ड्स दैट पाथ। आज का जो विषय है उस विषय के बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली मेरे लिए कोई चीज है तो वह है इग्नोरेंस ऑफ पीपल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। कई लोग उसे गैम्बलिंग कहते हैं इसलिए आते ही नहीं है, वो तो ठीक है। कई लोग इसे अपॉर्चुनिटी समझ के आ जाते हैं, जैसे कोविड काल में बहुत सारे लोग आए, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, और ये ग्रीड होती है ना, वो ग्रीड के शिकार हो जाते हैं। कोई व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, कोई टिप्स देखते हैं, या कोई पॉपअप ऐड देखते हैं, ऐड देख के कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, ये सोच के कि ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड किया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और ये ऐप्स भी ऐसे भुला लेते हैं लोगों को कि जस्ट डाउनलोड दिस ऐप एंड दिस विल गिव यू अ बाय एंड सेल सिग्नल्स एंड देन दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट। सो ये इग्नोरेंस लीड्स टू अ लॉट ऑफ डैमेज, नॉट ओनली टू योर फाइनेंशियल कैपिटल बट ऑल्सो टू योर इमोशनल कैपिटल। ये इग्नोरेंस है क्या? लोग आ जाते हैं, 1,00,000 लगा देते हैं, फिर 2,00,000 बना लिया, 2,00,000 के बाद, 2,00,000 के बाद कॉन्फिडेंस जैसे लॉटरी लग जाती है ना वैसे, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद फिर और पैसा लगाते,
एक का 2 लाख हो गया, अभी 2 का और पैसा लगा था और बड़ा नुकसान करके बैठे। दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। एब्सोल्यूट इग्नोरेंस। ओके, आपको अपने आप को पूछना है कि आर यू रियली लिटरेट, आर यू रियली एजुकेटेड अबाउट मार्केट्स। या कोई और एक बताता हूँ, लिटरेसी इज नॉट अबाउट वॉचिंग फ्यू यूट्यूब वीडियोज एंड रीडिंग थ्रू स्ट्रेटेजीज इन यूट्यूब वीडियोज। देर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इग्नोरेंस अमंग पीपल, लॉट ऑफ पीपल आई सी, दिस इज माई बिगेस्ट कंसर्न, लॉट ऑफ पीपल ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मैं मेरे हमारे स्टूडेंट्स को पूछो जो पहले एफेंडो ट्रेड करते थे हमारे पास आए, और बाद में जब उन्होंने एफेंडो सेमिनार किया वो कहते थे कि हमको 2% नॉलेज भी नहीं था मार्केट का और हम ये सब कर रहे थे। 2% नॉलेज भी नहीं होता है और ये करने जाते। दिस ऑप्शंस गेम, एफेंडो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस गेम इज अ बिग प्लेयर्स गेम, इज अ ऑप्शन सेलर्स गेम। तो ये बिना सोचे समझे जो मार्केट में आता है वो काफी बड़ा। ओके, सो प्लीज 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 इग्नोरेंस से कुछ भी नहीं करना। इग्नोरेंस विल लीड टू डिजास्टर, आई एम टेलिंग यू, इट विल लीड टू डिजास्टर। तो क्या है नेक्स्ट स्टेप, क्या है? आई थिंक द बेस्ट, द फर्स्ट स्टेप इज यू नो बीइंग लिटरेट। नॉलेज लीजिए अपने बारे में, कुछ मार्केट्स के बारे में समझिए, बिकम लिटरेट अबाउट द मार्केट्स, हैव सम नॉलेज, अंडरस्टैंड व्हाट आर मार्केट्स, व्हाट आर वेरियस सेगमेंट्स, व्हाट आर द वेरियस सेक्टर्स, इस मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटीज होती है, क्या होता है, वो सब पहले समझो। सो लिटरेसी, सामान्य ज्ञान भी बहुत जरूरी है और थोड़ा सा ज्ञान होना। एंड देन द नेक्स्ट मूव इज टुवर्ड्स एक्सपर्टीज। वंस यू बिकम लिटरेट देन स्लोली एंड श्योरली यू बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर। आपको पता होगा, आपने इंजीनियरिंग की होगी, इंजीनियरिंग के 4 साल, या आपने ग्रेजुएशन किया होगा 3 साल का, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होगा, कुछ MBA किया होगा, तो आप लिटरेट हो गए, आपको समझने लगा। लेकिन एक्सपर्ट होने को टाइम लगाओ, जो भी क्षेत्र है आपका, आप डॉक्टर हो, वकील हो, सर्जन हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, एक सॉफ्टवेयर IT के पर्सन हो, नो इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन देखते हो, रोड बिल्डिंग कर रहे हो। सो एजुकेशन मेक्स यू लिटरेट, इट डजंट मेक यू एक्सपर्ट। देन यू गेट इन टू अ एक्चुअल फील्ड, फील्ड ट्रेनिंग होती है और वहां पे धीरे धीरे एक्सपर्टीज बिल्ड होती है, राइट? तो मास्टर कौन है? मास्टर कौन है भाई? मास्टर वो बंदा है जिसके पास विजन है। वो नॉट ओनली दैट पर्सन इज एक्सपर्ट इन द फील्ड, बट उसके पास एक विजन होती है, मल्टीप्लाई कर सकता है किस चीज को, एक अपॉर्चुनिटी, उसके पास एक विजन होता है, वो होता है मास्टर। आप सभी को क्रिकेट तो आता है, क्रिकेट समझ में आता है, तो लिटिल मास्टर बोलते हैं तो समझ में आता है, लिटिल मास्टर क्यों कहते हैं और बाकी सबको मास्टर क्यों नहीं कहते? इतने सारे एक्सपर्ट होते हैं, इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो लिटरेसी हमारी लिटरेसी है क्रिकेट के बारे में? हम जानते हैं, थोड़ा बहुत खेल भी लेते, क्या हम एक्सपर्ट है? नहीं। तो बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते, क्या वो लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं? नहीं। तो वो एक एक्सपर्टीज लेवल पे, अलग अलग IPL पे खेले या कोई एक लीग खेले, कांगा लीग होता है, अलग अलग लीग्स होते हैं, छोटे छोटे लोकल मैचेस होते हैं, एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के, क्या वो मास्टर है? नो। इवन इफ यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया वंस एंड व्हाइल, यू आर नॉट अ मास्टर येट। तो पहले ये दोनों इन स्टेप्स का डिफरेंस समझ लेते। ओके, सो हु इज एन एक्सपर्ट? एक्सपर्ट अगर क्रिकेट के पार्लेंस में मैं कहूं तो जिसको समझ में आता है कि भैया कौन सा बॉल मारना है और किस कौन सा छोड़ना है, विच बॉल टू हिट एंड विच बॉल टू लीव एंड विच बॉल टू डिफेंड, इज एन एक्सपर्ट, राइट? मास्टर कौन है? मास्टर ऑल्सो नोज एवरीथिंग दैट एन एक्सपर्ट नोज, बट इफ द सिचुएशन डिमांड्स, एक खराब बॉल पे तो 6 मारेगा ही मारेगा, लेकिन कि अच्छे बॉल पे भी एक 4 या चौका मारेगा या छक्का मारेगा, वो होता है मास्टर। वाई? बिकॉज वेन सिचुएशन डिमांड्स, वो अपने गेम को एडजस्ट करता है और सिचुएशन के हिसाब से खेलना शुरू करता है। ओके, वो होता है मास्टर। यानी आपको इस डेफिनेशन को समझना होगा, मास्टर कौन होता है कि सिचुएशन ऐसी है, वो स्ट्रैटेजी भी करता है, वो समझता है कि अभी ये बॉलर ये अच्छा बॉलर है, इसके 5 ओवर्स हो चुके हैं, उसके 5 ओवर्स बाकी है, या किसी का 1 ओवर ही बाकी है, तो चलो इसको थोड़ा खेल लेते हैं, वो स्ट्रैटेजी भी करता है ऑन द ग्राउंड, वो होता है मास्टर। सो मास्टर कौन होता है?
पिछले कई दिनों से मार्केट गिर रहा था। परसों मैंने मेरे ग्रुप में एक मैसेज डाला, देखो भैया वेनसडे को फेड मीटिंग है, तब तक मार्केट में प्रेशर रह सकता है, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ तो वेनसडे को छुट्टी है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, इसको कहते हैं विजन। ये हो सकता है, आज फेडरल की मीटिंग है, आज रात को आज यूएस मार्केट कुछ रिएक्ट करेगा, उसके बाद हमारा मार्केट खुलेगा और हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में कुछ अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि ट्यूजडे को मैं शायद ऑप्शंस बाय करूंगा अगर मार्केट गिरा तो एंड तक, यानी बहुत गिरा तो मुझे कॉल ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सस्ते मिलेंगे तभी मैं बाय करूँ, ऐसा मैंने पोस्ट डाल दिया। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था, गेम था, गेम प्लान था। लेकिन कल क्या हुआ, पैनिक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सुबह सुबह आ गया। तो मैंने क्या किया, पहले ही 15 मिनट्स में मैंने लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड की, मैंने बहुत सारे पुट्स बेचे, मैंने कुछ शॉर्ट्स कवर किए, और जो भी मुझे करना था, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई हो, एक्सिस बैंक मैंने मिस किया, लेकिन एक्सिस बैंक हो, ये बैंकिंग स्टॉक्स में मैं बुलिश था। तो ये होती है विजन और ये होती है तैयारी मास्टर की। तो मास्टर जैसे सामने सिचुएशन है वो अपना गेम भी चेंज कर सकता है। एक्सपर्ट्स ऐसे बोखला हुआ अगर, एक्सपर्ट्स देखते रह जाते हैं अभी करना क्या है, अरे बाप रे गैप डाउन हो गया अभी क्या करो, हाँ चलो कुछ करता हूं, तो थोड़ा फर्क है। मतलब चौपी कंडीशंस में एक्सपर्ट मास्टर कौन है। मुझे एक मूवी याद है, एक पायलट की मूवी है, यूएस के, रियल स्टोरी है। उसने एरोप्लेन को लैंड किया था रिवर में, हडसन रिवर पे, पर सबकी जाने बचाई, और उसको एक इंस्ट्रक्शन मिली थी कि यू बेटर नॉट डू दिस। एक बाजू में देयर इज अ कोई लगवाड़ा एयरपोर्ट या कोई तो एक एयरपोर्ट था, वहां पे जाओ, बट ही कुड सेंस दैट मेरे पास समय नहीं है, मैं उस अगर एयरपोर्ट तक जाऊंगा तो मैं शायद मैं ट्रैक्शन भूल जाऊंगा और शायद किसी बिल्डिंग पे टकराऊंगा, बिल्डिंग के लोग तो मरेंगे मरेंगे, अंदर के लोग भी मर जाएंगे। तो हुई टूक अ चांस एंड ही टूक अ डिसीजन ऑफ लैंडिंग, हाँ सुली, एब्सोल्यूटली वंडरफुल चैंपियन। वो पायलट पे बाद में केस हुई, उसको डिसीजन उसने बदला लास्ट मोमेंट पे, एंड ही लैंडेड ऑन हडसन रिवर एंड एक भी नहीं मरा, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। उसकी उतनी एक्सपर्टीज थी, उसने वो लैंडिंग बराबर किया पानी में, एंड देन लॉर्ड ऑफ सेफ्टी बोर्ड्स केम एंड देयर, यू मस्ट वॉच दिस मूवी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ चैंपियन। तो आपको क्या लगता है, एक कोर्स करने के बाद आप चैंपियन बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक्सपर्ट बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या लिटरेट बन जाओगे? जरूर। यानी आपको एक एक्सेप्ट करना है कि ये जर्नी जो है, ये जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू लिटरेसी, लिटरेसी टू एक्सपर्टीज, एंड एक्सपर्टीज टू मास्टरी, एंड यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड गिव योरसेल्फ टाइम। अदरवाइज क्या होगा मालूम है? आप थोड़ा बहुत कोशिश करोगे, अपने आप को मास्टर समझ लोगे, एक दो सक्सेस मिल जाएगा, अपने आप को मास्टर बन के कुछ करने जाओगे, बड़ा नुकसान कर लो, और बड़ा नुकसान करोगे तो अपना इमोशनल कैपिटल खोजोगे, अपना कॉन्फिडेंस भी कम हो जाए, कॉन्फिडेंस गवा दोगे, बाद में मार्केट को गाली दोगे या किसी ट्रेनर को गाली दोगे, यार मुझे ठीक से सिखाया नहीं गया। इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग आंसर्स आउटसाइड ऑफ यू, देन यू आर इन ट्रबल, आंसर्स विल बी विद इन यू। आपको देखना है कि यार मैं कर क्या रहा हूं। सो मैं आपको एक पेस देने वाला हूं, एक रोडमैप देने वाला हूं कि आपको पहले लिटरेट होना है। अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है ना कि ये स्ट्रैटेजी देख लो, एक यूट्यूब में स्ट्रैटेजी मैंने डाली है, ये यूट्यूबर्स क्या करते हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऐसे बकरे नहीं पकड़ना चाहता। अगर आपको कुछ भी फ्री में मिल रहा है तो समझो आप खुद एक प्रोडक्ट बन चुके हो और आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपके ग्रीड को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आपको लगता है कोई एक यूट्यूब का स्ट्रैटेजी देख के आप चैंपियन बन जाओगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने ये मार्केट देखा है 27 साल, मैंने मेरे खुद के उतार चढ़ाव देखे और मुझे मालूम है मास्टर कैसा बन सकता है, एक्सपर्ट कैसे बनेगा और एक्सपर्ट से मास्टर कैसे बनेगा। मार्केट में मास्टर बनना है आपको, यहाँ पे मनी स्टोरी भी बदलनी होगी। वो होता है मास्टर जो आज एक लाख प्रॉफिट कर रहा है, तो 3 से 5 साल में वो 5 लाख प्रॉफिट करेगा उसी समय। अगर आप महीने का 1 लाख कर रहे हो तो आने वाले 3 साल में आप 5 लाख कमाने की हैसियत रखो, तभी आप मास्टर कहलाओ। बाद में अनदर 3 इयर्स तुम्हारी मनी स्टोरी ऐसी ग्रो होनी चाहिए,
प्रोसेस तो वही रहेगी, प्रोसेस वही रहेगी, लेकिन क्या आप महीने के 5 लाख कमा रहे हो? चलो अब 25 लाख कमाओ। ये मेरे अनुभव से कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने दिन के प्रॉफिट्स देखे हैं मेरे मल्टीप्लाई होते हुए। कैसे? बाय फॉलोइंग प्रोसेस एंड बाय फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कैपिटल एंड कीपिंग द सेम रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। कहां भी डेविएशन नहीं है, सेम रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। ओके, तो इस जर्नी के लिए रेडी रहो, लेकिन मेंटली प्रिपेयर करो। इसलिए मैं कहता हूं कि बी प्रिपेयर टू गिव 1000 डेज। लेकिन 1000 डेज देखे करूंगा क्या मेरे जैसे आपकी जर्नी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने मार्केट को पैसा देके लॉसेस करके सीखा। मार्केट इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव टीचर फॉर यू, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आप कुछ वीडियो देख लोगे फ्री में, फिर मार्केट में 50,000 का लॉस कर लो, उससे अच्छा है स्ट्रक्चर वे में सीख, राइट? एक्सपर्टीज के बाद आती है मास्टरी, और उसके लिए समय देना जरूरी है। अभी इग्नोरेंस के कुछ एग्जांपल्स है। बीच में मैंने एक देखा था, अ पर्सन लॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। व्हाई? बिकॉज उसके इन द मनी पुट्स थे। आजकल बायर को भी ऑब्लिगेशन हो गया है बिकॉज ऑफ चेंज रूल्स इन सेबी, एंड आई एम डूइंग माई बिट, आई एम टेकिंग अप टू द हायर अथॉरिटीज, ओके, टू चेंज दिस पॉलिसी। इट विल टेक सम टाइम, बट ये जो चल रहा है ना, कि लोगों को इग्नोरेंस की वजह से लॉसेस हो रहे हैं। बिटकॉइन, इतने बड़े बड़े स्कैम अभी बाहर आ रहे हैं। आपका पैसा है तो भी आपको मिल नहीं सकता, आपके अकाउंट हैक भी हो सकते हैं, ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं। तो इग्नोरेंस की वजह से आप नुकसान करके नहीं लेना। होता क्या है ना, ग्रीड आपको कुछ ना कुछ करवाने पे ये करेगी, मजबूर करेगी। अरे चलो मुझे अभी जॉब छोड़ना है, मुझे ये करना है, फटाफट कुछ पैसा कमाना है। एक ग्रीड के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे, कभी एक लॉटरी लग जाएगी लेकिन बहुत बड़ा नुकसान कर। तो अच्छा, कुछ उदाहरण दिए थे आपको, अगर समझने के आपको समझ में आए इसलिए। तो ड्यूरिंग लिटरेसी प्रोग्राम, जैसे नेट प्रैक्टिस होती है ना, वैसे प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप प्रोग्राम सीख रहे हो, कर रहे हो, जरूर ट्रेडिंग करो, लेकिन 10% कैपिटल से करो। आजू बाजू में नेट लगाओ, प्रोटेक्शन लो, गिरो नहीं। ऐसे नहीं गिरो कि आपके दांत टूट जाए, आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, तो यस, पैड लगाओ, सब कुछ लगाओ, गियर लगाओ, सब कुछ करो। ओके, और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, नेट प्रैक्टिस करो ड्यूरिंग योर लिटरेसी। एंड एज यू एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज, तुम्हारा ज्ञान बढ़ते जाएगा। बट ज्ञान इज नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स दैट यू डिजायर। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको सिर्फ लिटरेसी से नहीं मिलेंगे, आपको फिर एक्सपर्टीज तो मिलना ही पड़े। ये एग्जाम्पल्स है, ये बाद में, ये एक्सपर्ट्स है। ओके, बट मास्टर्स ये है, ये मास्टर्स है, अपने अपने क्षेत्र के मास्टर्स। आप सोचिए, अमिताभ बच्चन की पहली मूवी देखिए, बाद में उसके 2-3 मूवी उसके बाद के देखिए, जंजीर देखिए, दीवार देखिए, और अभी देखिए, या कोई भी हो, माधुरी दीक्षित की पहली मूवी देखिए और उसके बाद की देखिए। यानी जब कलाकार, एज अ कलाकार, व्हेन दे वर गेटिंग ट्रेनिंग इन अ आर्ट इंस्टीट्यूट, इन अ, जब कला सीख रहे थे, तभी क्या वो मास्टर थे? बिल्कुल, वो लिटरेसी हो रही थी, एक्टिंग के बारे में सीख रहे थे, लेकिन बाद में जैसे समय चलता गया वो मास्टर बना। ओके, सो इस बात को समझो, गलती मत करो। शॉर्टकट का मतलब सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और मार्केट्स में ऐसे शॉक लगेंगे कि उठ नहीं पाओगे, सो इसलिए धीरे धीरे चलो। ड्यूरिंग लिटरेसी प्रोग्राम ये मैंने क्यों रखा है आज का सेशन, बिकॉज 3G08 में बहुत सारे 1500 से भी लोगों ने ज्यादा एडमिशन लिया है। अब बाकी एडमिशन करने वाले बोलेंगे, बाप रे इतने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? चिंता मत करो, एक ऐसा सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है, आपको पर्सनल कनेक्ट मिलेगा, एक मॉनिटर का और एक सीनियर मॉनिटर का और ट्रेनर का भी, और आपकी हैंडहोल्डिंग इतनी बढ़िया रहेगी, आपको मजा आएगा। और ऐसे कुछ वीडियो देके छोड़ दिया ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं ये ट्रेनिंग का मामला है, ये टीचिंग का मामला नहीं है। टीचिंग और ट्रेनिंग का फर्क समझते हो? टीचिंग एक वीडियो देख लिया, अरे वीडियो देख के ट्रेडिंग कर लो, ऐसे होता है? अरे ये वीडियो देखो स्विमिंग कर लोगे, जाओ पानी में उतरो, फिर ऐसा ऐसा करो, फिर स्विमिंग होगा। या ये वीडियो देखो, फिर एक खोपड़ी ऐसे खोलने का, ऐसा ऑपरेशन करने, ऐसे होता है क्या? नहीं। सो ट्रेनिंग और टीचिंग का फर्क समझो। ओके, तो मेरे स्टूडेंट्स को जिन्होंने एडमिशन लिया, उनको मैं कहता हूं कि यू आर नॉट इवन बॉर्न
मैं हमेशा एसएमएम स्टूडेंट्स को कहता हूं, यू आर नॉट इवन बॉर्न, यू आर जस्ट कंसीविंग। आस्था की कोख में आप धीरे धीरे पैदा होने वाले हो, कंसीवेशन स्टेज में हो। एसएमएम किया, पापा किया, फोम किया, वही किया, एवरी सेमिनार यू विल बिकम अ ट्रेडर इन्वेस्टर। यू कैन टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यू कैन टेक ट्रेडिंग डिसीजंस, यस यू कैन, बट यू आर नॉट सपोज टू गेट इन द डीप वाटर। नेक डीप वाटर में नहीं जाना है, शैलो वाटर में जाना है, घुटनों तक पानी लगना चाहिए बस। यानी आपका जो कैपिटल है उसका सिर्फ 10% कैपिटल आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन पेपर ट्रेडिंग नहीं करना है, एक्चुअल कर। इट इज एज गुड एज नेट प्रैक्टिस। तो जो भी कंसेप्ट सीखोगे उसको पहले छोटे कैपिटल से इंप्लीमेंट करना चालू, इंप्लीमेंट करना। देखो आपका अभी सेशन 1 फरवरी से कोर्स शुरू होगा, उसके पहले के कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूं। एक इंट्रो सेशन है, वहां भी कुछ गाइडलाइंस मिलेगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन मैं तुमको दे रहा हूं। डू नॉट स्टार्ट विद बिग कैपिटल, डू नॉट स्टार्ट विद अ फोकस ऑफ मेकिंग मनी, डू नॉट स्टार्ट विद फोकस ऑफ रिकवरिंग फीस। आपने जब एमबीए किया होगा, डॉक्टरी की होगी, जो भी किया, आपने फी रिकवरी के बारे में कभी सोचा था? नहीं ना। तो वैसा ही करो। मैं आपको एक वादा करता हूं, मुझे जो समय लगा ना वो उतना नहीं लगेगा आपको। और अगर आप डेडिकेटेडली 1000 डेज देंगे ना, डेडिकेटेड, आपको हम चैंपियन बनाएंगे, जरूर चैंपियन बनेंगे, चैंपियन बनाएंगे, ये वादा करता हूं। ओके? क्यों? क्योंकि आज जिस ऑफसाइट में मैं आया हूं, जो प्रकार से हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहे, जो प्लानिंग हो रही है, जिस हिसाब से हम आने वाले जनरेशन को, जैसे पुराने जियो स्टूडेंट्स को इतना भी नहीं मिला था जो आपको मिलने वाला, लेकिन आगे जाके हम कुछ ऑफलाइन सेशंस और कुछ रेसिडेंशियल कोर्सेज की भी बात कर रहे हैं जो लाइव मार्केट में होंगे। रेसिडेंशियल कोर्सेज आने वाले 6 महीना 1 साल में, उसके लिए कुछ सेटअप की जरूरत होती है, लीडरशिप की बैंडविड्थ की जरूरत होती है, वो धीरे धीरे बनेगी तो आपको वो सब मिलेगा। और अभी जो जनरेशन है, पहली जो जनरेशन जो हमारे अभी आस्था सत्संग सेंटर में करीब करीब 8 से 10 हजार स्टूडेंट्स हैं, उस जनरेशन का जो मुझे तजुर्बा है और उनको जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे से उनका जब हम सक्सेस देखते हैं उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब क्या? किसी सोचिए, किसी जंगल में जा रहे हैं लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं, हम रास्ता साफ कर रहे हैं और आने वाले जनरेशन को उसका फायदा हो रहा है। एक रोड मैप तैयार हो रहा है, एक पाथ तैयार हो रहा है और आने वाले जनरेशन को आराम से उस पर चलने को मिले। ओके? और ये क्यों है? क्योंकि 2031 तक 1 लाख लोग साथ में मिलके ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पे राज करेंगे, और उसके 15 साल बाद हम गर्व से कहेंगे 100 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, नाउ टुडे वी आर ट्रूली इंडिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज नाउ वी आर इवन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ये हमारा संकल्प है। इन्होंने तो अपना काम किया है। हर एक स्टूडेंट में मुझे माधुरी दीक्षित दिखती है, अमिताभ बच्चन दिखते हैं, रतन टाटा दिखते हैं, हर एक स्टूडेंट में दिखते, और वो क्षमता आप में है। लेकिन इन्होंने जो परिश्रम किए हैं ना इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, क्या आपके पास वो तैयारी है? वो सिंधु हो, वो विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस यू नीड एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स। तो जो मेरे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं उनको मुझे कहना है, यू हैव ओनली लिमिटेड टाइम, टाइम इज नेवर इन अबंडेंस। आपके पास जो समय है वो सीमित है, बाकी सब कुछ अबंडेंस में है। पैसा है, पानी है धरती पे, बर्फ भी है धरती पे, रेगिस्तान भी है धरती पे, सब कुछ इन अबंडेंस एक्सेप्ट फॉर टाइम। तो इस टाइम को आपको मल्टीप्लाई करना हो, कैसे करोगे? वी मस्ट यूटिलाइज अवर टाइम। एंड व्हाट डू वी हैव? वी हैव अवर एनर्जी। इस एनर्जी को मल्टीप्लाई करना, और वो कैसे होगा? साथ में रहे, एक दूसरे का साथ रहेगा ना तो गिरता गिरते भी हम उठ जाते, कुछ मायूस हो गए तो उठ जाते। हमारे यहां पे ना एक एलिवेटेड लेवल होनी चाहिए हमेशा। ये अगर एलिवेटेड रहेगा तो आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं। इफ यू आर हैप्पी, जॉयफुल, एंजॉइंग लाइफ, एंजॉइंग एवरी मोमेंट, आपके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। लेकिन आप स्ट्रेस में हो, सोच रहे हो अरे मुझे प्रॉफिट कब होगा, मुझे क्या होगा, प्रोसेस को छोड़ के आपका प्रॉफिट पे ध्यान है, लॉसेस पे ध्यान है, अरे मेरा इतना लॉस चल रहा है अभी मैं क्या करूं, ये अगर चक्कर में आप फंसे हो तो आपकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। तो वी हैव टू एलिवेट आवरसेल्फ्स हियर
not only in terms of skill, knowledge, but in terms of energy. Okay? और वही हमारे दो centers है. तो ये program, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? घर घर गुरुकुल तो आपको पता है, यहां पर लिटरेसी भी होती है और धीरे 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 एक्सपर्टीज भी आने लगती है. लेकिन रियल एक्सपर्टीज के लिए आपको आना पड़ेगा आस्था सत्संग सेंटर में, जहां पे आपकी एक्सपर्टीज की जर्नी शुरू हो. आपको एक पाथ है, आपको एक रोड मैप है मार्केट में, मतलब आपने सीख लिया, आपने चेकलिस्ट दिया, स्ट्रैटेजी सीखी, सेटअप सीखे. अब हमेशा ना आपके भी एक इमोशनल साइकिल होंगे और मार्केट के भी साइकिल होंगे. दो साल हमने मार्केट बहुत भलीभांति ऊपर जाते हुए देखा, फिर अभी रिसेंटली मार्केट जोर से अभी गिरा, अभी थोड़ा चौपी रहेगा मार्केट. तो आने वाला मार्केट कुछ अलग होगा, वो अलग पिछले दो साल जैसा नहीं होगा. तो मार्केट के साइकिल्स को आपको समझना है. और जब आप आस्था सत्संग सेंटर में रहोगे तो जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं ना, उनसे आप बहुत कुछ सीखोगे. तो आपकी जर्नी एक एक्सपेडाइट होगी टुवर्ड्स बिकमिंग एन एक्सपर्ट. ओके? एंड धीरे 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 आप मास्टर बनोगे. उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होगा, आपके मनी स्टोरी पे स्पेशल ट्रेनिंग. तो ये मेरी रेटिंग है. आई थिंक यू नो वी विल बी इवेंचुअली गोइंग, बहुत आगे जाएंगे. और मैं हमेशा कहता हूं, फॉर कंसिस्टेंट विनिंग अ प्रो ट्रेडर मस्ट ऑलवेज बी ग्रेसफुल एंड ग्रेटफुल इन द मार्केट. ओके? यू शुड बी ग्रेसफुल. आप एंट्री करो ग्रेसफुली, एग्जिट भी करो ग्रेसफुली. अरे यार मेरा लॉस हो गया, चलो प्रॉफिट हुआ है, चलो प्रॉफिट हुआ है तो चलो ग्रेसफुली एग्जिट करो. लॉस हुआ तो भी ग्रेसफुली एग्जिट करो और हमेशा ग्रेटफुल रहो. तो ये एक मेरी और सीख है. सारे हमारे जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करने वाले हैं, ऑलवेज बी ग्रेटफुल. देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपको सबको बताता हूं, मार्केट इज गॉड, भगवान है, इट्स गॉड फॉर अस. सो व्हेन वी टेक अ डिसीजन ऑफ बाइंग और सेलिंग इन द मार्केट्स, अगर हमने कुछ स्टॉक बाय कर लिया, जैसे मैंने ICICI बैंक बाय किया है, SBI बाय किया है yesterday आई बॉट ICICI बैंक एंड SBI. आफ्टर बाइंग इट वेंट अप, हु मेड मी विनर? एम आई मेकिंग माई सेल्फ अ विनर? नो, somebody else इज मेकिंग मी अ विनर. मतलब somebody else इज बाइंग एट हायर prices एंड hence द स्टॉक इज गोइंग अप. याद है ना आई ओपनर में क्या सीखा है, देयर हैज टू बी aggressive buyer who is ready to pay higher prices that the seller is demanding. तो अगर सेलर ऊपर ही भाव मांग रहा है और कोई बायर है, वो बायर मैं नहीं हूं, मैंने तो यहां बाय किया है, अब कोई दूसरा बाय कर रहा है और कोई बाय कर रहा है और कोई बाय कर रहा है, तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज हु आर पुशिंग दैट प्राइस हायर. डोंट बी ग्रीडी बट ग्रेटफुल. और जब बेचो और प्रॉफिट बुक करो तो उसके पीछे कुछ वजह होनी चाहिए, कुछ पद्धति होनी चाहिए, कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप होनी चाहिए, कुछ रीजन होना चाहिए, तभी जाके एग्जिट करो. एंड एग्जिट करने के बाद हमेशा बी ग्रेटफुल. एंड जिसने भी आपसे बाय किया होगा उसके लिए प्रे करो कि और ये स्टॉक ऊपर जाए और उसका भी फायदा. एंड दैट इज ग्रेटफुलनेस एंड कंपैशन. वो ग्रेटफुलनेस एंड कंपैशन विल रिप्लेस योर ग्रीड. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. बाय एवरीबॉडी. बाय बाय. बिकम अ प्रो, मनी विल फ्लो, द फास्टेस्ट वे टू ग्रो. अवधूत साथ है ट्रेडिंग एकेडमी. To register for our upcoming stock market eye-openers, click on the link in the description box.